वेलकम बैक फ्रेंड्स, मैं आप लोग का दोस्त आकाश। ओके, आज की वीडियो में चैप्टर नंबर क्लास 12 का बुक के बारे में, अकाउंटेंसी का चैप्टर नंबर फर्स्ट है फाइनल अकाउंट। ओके, उसका लेक्चर नंबर 7 है। इसमें हम लोग प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 4 सॉल्व करेंगे। चलो देखते हैं पहले फोर्थ में क्या बोला है। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस, इसके पहले मैंने तीनों प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया, लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर देख लेना। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस ऑफ मिसेस मीरा एंड माधव, प्रीपेड ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 एंड बैलेंस इट हैज ऑन द डेट ट्रायल बैलेंस हैज ऑन 31 मार्च 2019। ये ट्रायल बैलेंस दिया है। सबसे पहले हम लोग क्या करते थे, एडजस्टमेंट पढ़ते थे। चलो एडजस्टमेंट है पढ़ते हैं। क्लोजिंग स्टॉक इज 32,000, इसकी एंट्री क्या कहा जाएगी? एक एंट्री इसका जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में, सेकेंड इफेक्ट बैलेंस शीट के असेट्स में। एंड देन प्रोवाइड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट ₹2,000। तो ये क्या है, RDD है। तो RDD की दो इफेक्ट कहाँ कहाँ जाता है, एक इफेक्ट जाता है बैलेंस शीट के असेट साइड में और नेक्स्ट इफेक्ट जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट। तो यहाँ पे पहले आप डेटा खोलो, डेटा ये रहा। यहाँ पे पेन से टिक मार्क करो, पेंसिल से करो। फिर क्रिएट रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर, आपको डेटर पर डिस्काउंट दे देना। तो एंट्री क्या क्या होगा, एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में और सेकंड बैलेंस शीट के असेट्स में होगा लेस। चलो फिर से एक यहाँ पे दो स्टार हो गया डेटर के ऊपर, ठीक है। वैल्यूड ऑफ लीज होल्ड प्रेमाइसिस ऑन 31 मार्च 2019 ₹1,00,000। लीज होल्ड प्रेमाइसिस क्या होता है, ये भी असेट्स होता है उनका। ओके, तो असेट्स के ऊपर लीज होल्ड प्रेमाइसिस पे टिक। इसकी वैल्यू कितनी है, 1,10,000, और यहाँ पे कितना हो रहा है, 1,00,000, मतलब हम लोग का 10,000 रुपये डिफरेंस है। तो क्या डेप्रिसिएशन हो रहा है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 500, इसकी एंट्री एक जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में, सेकंड एंट्री जाएगा बैलेंस शीट के लायबिलिटी में। तो इधर खोजो क्या, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, प्रिंटिंग एरा है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। एडवर्टाइजमेंट हम लोग आए, हिडन एडजस्टमेंट है, उसको भी टिक कर लो, और कुछ है नहीं। देखो यहाँ पे किसी और में इसने सामने ने TAAP/L, आप लोगों को सब लिखना नहीं है, ये सब लिखना ही मत। मैं तो ये बोलूँगा हम लोग सीधा एंट्री पढ़ेंगे पास करेंगे, ठीक है। ये सब पढ़ने की जरूरत नहीं, सब पागल लोग टैलेंटेड नहीं, हटाओ इसको। इसका आप परफॉर्मा देख लो, वैसे तो इसमें तो एक्सपर्ट हो ही गए होंगे। ओहो, एक दिक्कत हो गया। चलो देखो, इन द बुक्स ऑफ मिसेस मीरा एंड माधव, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर 31 मार्च, यहाँ पर देखो एक्सपर्ट पिक्चर और इनकम लिख दिया। मैं गलती से यहाँ पे NPO का फॉर्मेट बना दिया, आप लोग ऐसा गलती मत। ये इसका फॉर्म हम क्या, NPO का एक्सपेंडिचर इनकम ऑटो पर्टिकुलर, आप लोग का सेकेंड चैप्टर है ना NPO में, उसका यहाँ पे फॉर्मेट बना कर रखा था। चलो कोई बात नहीं, इनकम एक्सपेंडिचर यहाँ पे जो है इसको मैं कट किया हूँ, पर्टिकुलर अमाउंट। आप चाहो तो ट्रेडिंग अकाउंट अलग बनाओ, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अलग बनाओ, पार्टनर कैपिटल अकाउंट अलग बनाओ, बैलेंस शीट अलग बनाओ, चारों। लेकिन मैंने क्या किया, ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एक में रखा हूँ और एक बैलेंस शीट में पार्टनर कैपिटल कर डालूंगा, ठीक है। जैसा आपको टेक्स्ट बुक का फॉर्मेट दिया, मैं उसी फॉर्मेट से चल रहा हूँ। बैलेंस का भी परफॉर्मेंस देख लो, अगर आप अलग से पार्टनर कैपिटल बनाओगे तो आंसर रॉन्ग नहीं होगा, आंसर आपका राइट ही रहेगा। बैलेंस शीट हैज़ ऑन 31 मार्च 2019, लायबिलिटी अमाउंट असेट्स अमाउंट, ठीक। अब शुरू करें सॉल्व करना। चलो आ जाओ, फर्स्ट क्या दिया, स्टॉक कितना 25,000। स्टॉक कहाँ पर जाता है फटाफट बताओ कमेंट बॉक्स में लिख के, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में। तो इधर लिखो टू ओपनिंग स्टॉक कितना था, 25,000 था, तो 25,000 आई एम राइट, 25,000 हुआ। सेकेंड एंट्री क्या, डेटर कहाँ होता है, बैलेंस शीट के असेट साइड पे, और डेटर के ऊपर दो स्टार है, कितने स्टार है, दो स्टार। डेटर का अमाउंट कितना, 80,500 और दो स्टार भी है, 80,500, ठीक है। अब बड़े आगे इसमें होगा लेस, यहाँ पे दो स्टार है तो कौन कौन सा है, पहला क्या है RDD 2,000 निकालना, यहाँ पे करो लेस न्यू RDD 2,000 रुपीज़, 80 में से दो का कितना बचा, 78,500। अब यहाँ पे होगा लेस डिस्काउंट, आप लोग इसमें रिजर्व डिस्काउंट ऑन डेटर, मैं सिर्फ डिस्काउंट लिख रहा हूँ,
78,500 का कितना 3% निकालो, तो निकालो 0 से 0 कैंसिल, 5 3 जा 15, 1 कैरी, 8 4 जा 24, 1 25, 5 2 कैरी, 7 3 जा 21 और 2 23, 2 3 5। अभी बहुत अभी जिसको नहीं आता देखो कैसे नहीं निकलता है, 78,500 है, 3% निकालना, तो 3/100 हुआ, 0 0 0 0 कैंसिल, 3 5 जा 15, 1 कैरी, 8 3 जा 24 24 1 25 2 7 3 जा 21 और 2 23 2 3 5 2 3 5। मैं इधर डायरेक्ट निकाला, इधर आपको पूरा फॉर्मूल बताया, ठीक है। अब जो उसको सब्ट्रैक्ट करो वैल्यू बाहर देखो, जीरो तो मतलब इधर क्या है, 10 10 माइनस 5 5, 9 माइनस 5 4, 4 4 माइनस 3 1, 8 माइनस 2 6, 76,145 रुपीज़ है। इतना है 76,145 रुपीज़, मतलब हम लोग का डेटर हो गया। अब क्या है, बिल्स रिसीवेबल कितना है, 10,000 है। देखा, बिल्स रिसीवेबल 10,000 है, तो इधर लिखो बिल्स रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल 10,000। ओके, अब पढ़ते हैं परचेस किधर जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में। तुरंत आ जाओ ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में, टू परचेस लेके आ जाओ। अब देख लो एक बार, परचेस रिटर्न है देखो, यहाँ पे है परचेस रिटर्न कितना, 1,000, तो परचेस कितना है, 2,08,500, जिसको ईनर में लिखो 2,08,500। इसमें होगा लेस रिटर्न होगा कितना, 1,000 रुपया, क्यों, क्योंकि इधर 1,000 दिया ही है, तो बाहर आएगा 2,07,500, 2,07,500। ओके, आगे पढ़ते हैं, एक सेकेंड, रिटर्न दिया है, रिटर्न मतलब एक डेबिट बैलेंस है, तो कौन सा रिटर्न होगा, सेल्स रिटर्न, तो सेल्स इधर है 3,25,000, तो फिर ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में इधर लिखो बाय सेल्स 3,25,000, इसमें से होगा लेस रिटर्न होगा, ठीक है। ओ नो, देखो इसका भी अमाउंट सेम है 1,000, तो देख रहा है 3,24,000, मतलब 3,24,000 रुपीस। परफेक्ट, इतना तो समझ में आया आप लोग को। अब आगे बढ़ते हैं, खरेज इनवर्ड, मैं बोला था आप लोग को फॉर्मेट में लेक्चर नंबर 2 में ही था बोला कि कभी भी खरेज इनवर्ड आवे तो ट्रेडिंग अकाउंट को डेबिट में, और खरेज आउटवर्ड आवे तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट में, तो किधर जाएगा, 3,000 है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में, 2 खरेज इनवर्ड 3,000, खरेज आउटवर्ड प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट मोटर व्हीकल असेट्स से। मोटर व्हीकल क्या है, असेट्स से, लिखो मोटर व्हीकल, हाउ मच रुपीस, 55,000, कितना है, 55,000 है। अब क्या बोला है, जनरल एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट, एक्सक्लूसिव प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट, एडवर्टाइजमेंट प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट, ड्राइंग लाइबिलिटी में हम लोग कैपिटल में खरीदेंगे लेस लीज होल्ड प्रीमाइसेस एसेट्स, देखो लीज होल्ड प्रीमाइसेस, स्टार भी है ना इसके ऊपर, तो 1,10,000 है, कितना, 1,00,000, यहाँ पे करो लेस डेप्रिसिएशन है, कितना डेप्रिसिएशन है, एडजस्टमेंट देखो यहाँ पे क्या बोला है, वैल्यूड ऑफ लीज होल्ड प्रीमाइसेस ऑन 31 मार्च 2019, मतलब इसका जो 31 मार्च को जो वैल्यू बचा केवल 1,00,000, मतलब ये आउटर वैल्यू देख रखा है, तो इनर कितना होगा, 10,000, इसकी एक एंट्री कहाँ जाएगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट में, बाद में खरीद देखते हैं। कैश एट बैंक असेट्स 45,000, कैश एट बैंक असेट्स, ऐसे आप लोग को मेरे तरह ही एक एक एंट्री को हड़ो सॉल्व करते चले जाओ, और हरदम मैं हर समय बोलता हूँ कि ट्रेडिंग अकाउंट और बैलेंस शीट साथ साथ सॉल्व करो। फर्नीचर असेट्स 8,300,
8,300 फर्नीचर फर्नीचर 8,300। बैंक ओवरड्राफ्ट लायबिलिटी बिल्स पेपर, पहले हम लोग कैपिटल से शुरू करते हैं ना। कैपिटल यहाँ पे लिखा है, लो आ जाओ कैपिटल अकाउंट्स। चलो छोड़ो बैंक, जब अच्छे से पढ़ो एक एक पढ़ो। बैंक ओवरड्राफ्ट कितना है 5,000, तो इधर से शुरू करते हैं। बैंक ओवरड्राफ्ट कितना है 5,000 है। बिल्स पेबल लाइबिलिटी 12,500 है, लिख देता हूँ। बिल्स पेबल क्रेडिटर 68,000, क्रेडिटर 68,000। सेल्स ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट आउटस्टैंडिंग रेंट बचा है, आउटस्टैंडिंग वेजेस। इधर आप एक काम करो, यहाँ पे करो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, सीधा इस तरीके से आप कर सकते हो। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस लिखो एंड देन इसका था आउटस्टैंडिंग रेंट और अनपेड, अनपेड का मतलब आउटस्टैंडिंग, तो दोनों एक ही है। यहाँ पे लिखो रेंट, नीचे वेजेस, ओके। रेंट का कितना 2,000 और वेजेस का कितना 1,500, 1,500, यानी अभी और ऐड होगा बाद में। अब क्या पहले मीरा और माधो का, मीरा का कितना है 75,000, मीरा 75,000। मीरा का कोई भी ड्राइंग यहाँ पे दिया है, मीरा ड्राइंग 3,000, मीरा ड्राइंग कितना 3,500, 3,500 इसमें होगा लेस ड्राइंग 3,500, कितना होगा 72,500, आई एम राइट। तो माधव, माधव के अपील कितना 75,000, यहाँ पे करो 75,000। ड्राइंग कितना 2,000, तो 2,000 नीचे ये करेगा लेस हो जाएगा इसमें ड्राइंग, क्या होगा लेस ड्राइंग। अब जो नेट प्रॉफिट आएगा वो ऐड होगा, या तो जो नेट लॉस आएगा वो लेस होकर बाहर चला जाएगा ऑटोमेटिक, ठीक है। उसका टेंशन लेने का नहीं। इतना समझ में आया आप लोग को, हाँ या ना फटाफट कमेंट बॉक्स में लिखो, इतना समझ में आया। अब यार देखो ड्राइंग को दो तरीके से करता है, तो मैं देखो हर वीडियो में बार बार बोलता हूँ, लेकिन मैं दोनों तरीका दोस्तों बताना चाहूँगा, आप खुद प्रैक्टिकली समझिए। एक वीडियो एक घंटे का चला जाएगा, इसलिए मैं आपको देखो, मैं आपको जब मितेश और मंगेश का किया था तो आप फर्स्ट फॉरवर्ड बताया था, इधर सेकेंड बता रहा हूँ। अभी नेक्स्ट सम है, कौन सा है, सुजीता गायत्री में ड्राइंग तो नहीं है। इसके बाद अगर किसी समय ड्राइंग और ड्राइंग आएगा तो मैं आपको अलग से दिखा दूंगा, ठीक है। इसका एक फॉर्मूला क्या होता है, पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाओ, ये जो ड्राइंग है सीधा कहाँ पे लेके जाओ उसके पार्टनर कैपिटल अकाउंट के डेबिट में, और सॉल्व कर दो आंसर राइट आएगा। बाद में उसका जो बैलेंस कैरी ब्रॉड डाउन जो रहेगा वो यहाँ पे निकाल लेना, सम टैली हो जाएगा, ठीक है। वरना ऐसे करो जैसा मैं कर रहा हूँ, आपका बोर्ड इसी फॉर्मेट से, और वो भी करोगे तो रॉन्ग नहीं है, वो भी करोगे तो 12 out of 12 ही देगा। ऐसा नहीं कि 12 out of 6 देगा या तो 12 out of 4 देगा आप लोगों को, मेरी बात समझ में आई ना। इतना मतलब हम लोग का क्या क्या हुआ, ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड बैलेंस और ट्रेडिंग अकाउंट के ट्रायल बैलेंस का सब कुछ हो गया। अब देखो क्लोजिंग स्टॉक हुआ क्या नहीं, पहले क्या करने का, अब हम लोग चलेंगे ग्रॉस प्रॉफिट में निकालने। पहला स्टेप हरदम भूलना मत, ग्रॉस प्रॉफिट निकालने से पहले चेक करो क्या एडजस्टमेंट में ऐसा कुछ दिया, पार्टनर गुड्स लेके जा रहा है या तो गुड्स विड्रॉल किया हो या तो गुड्स चल गया चोरी हो, ऐसा कुछ एडजस्टमेंट है नहीं है। तो क्लोजिंग स्टॉक फटाक से करो 32,000 बाय क्लोजिंग स्टॉक, हाउ मच रुपीज 32,000। अब ग्रॉस प्रॉफिट या तो ग्रॉस लॉस कैसे मिलता है, अब दोनों को कंबाइन करो, देखो कौन सा साइड ज़्यादा है, जो साइड ज़्यादा है उसको दोनों दोनों तरफ लिखो, ज़्यादा है भाई मुझे तो यही ज़्यादा लग रहा है। चलो आज उसको दोनों तरफ लिखते हैं, इसको करो प्लस 0,0,0,4,2,6,3,2,5,3 356,000 है, उसको उधर भी लिखो, जो ज़्यादा रहता है उसको दोनों तरफ, जैसे मुझे क्या मिलेगा 2 ग्रॉस प्रॉफिट, क्यों, क्योंकि मेरा क्रेडिट साइड ज़्यादा है, अगर मेरा डेबिट साइड ज़्यादा रहता है तो मुझे मिलता है ग्रॉस लॉस, 2 ग्रॉस प्रॉफिट
कह देता हूँ। अब क्या है देखो, बहुत लोग क्या करते हैं, इसको प्लस करेंगे फिर इसमें से ऐड करेंगे, हम लोग डायरेक्ट सबको प्लस करेंगे और आंसर राइट आएगा। जीरो 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 फाइव इधर जीरो, तो फाइव में ऐसा क्या जोड़ो कि जीरो आ जाए, तो फाइव प्लस फाइव टेन होता है। जीरो जीरो फाइव, पाँच पाँच दस, ग्यारह कैरी, पाँच एक छः, सात पाँच बारह, बारह तक ऐसा पाँच पंद्रह में क्या जोड़ू, एक मिनट फिर से प्लस करना, तो सात पाँच बारह तीन पंद्रह एक सोलह, मेरा सोलह हो रहा है, तो सोलह में ऐसा क्या जोड़ू कि लास्ट में छः आए, तो जीरो जोड़ सोलह बाई क्या करें, दो एक तीन, तीन में ऐसा क्या जोड़ू कि मेरा पाँच आवे, तो दो दो है ही है, तो दो में ऐसा क्या क्या दो में ऐसा क्या जोड़ू कि एक आ जाए, तो एक एक जोड़ता हूँ, दो एक तीन, तो 1,20,500। देखो हम लोग का ग्रॉस प्रॉफिट सही है क्या, एकदम डिक्टो एकदम डिक्टो सेम आ गया, मतलब हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट अभी तक सही जा रहे हैं, कुछ हम लोगों का मिस्टेक नहीं हुआ। अब जो इधर जो कैरी डाउन हुआ है वो इधर ब्रॉड डाउन होगा, और जो इधर जो कैरी डाउन होता है वो इधर ब्रॉड डाउन होता है, तो पता ही होगा आप लोग जो लेजर सॉल्व किया था ना कुछ था, लेजर लेजर बस उसी का फॉर्मेट ये भी है, बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉड डाउन, ठीक है, कितना 1,20,500 1,20,500। परफेक्ट। अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फटाफट करते हुए चलो, स्टॉक हो गया, डेटा डेटा हुआ, लेकिन इसकी दो एडजस्टमेंट की जो एंट्री है जो दोनों है, इसके दोनों की इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट में आता है। चलो फटाक से मारो, पहला क्या है उसमें हम वहाँ पर डिस्काउंट दिए थे, करो टू डिस्काउंट ऑन डेटर, टू डिस्काउंट ऑन डेटर कितना 2,3/5, जो इधर हम लोग निकाले थे 2,3/5 टू आर डी डी, टू न्यू आर डी डी था ना भाई, इतना था 2,000। उधर मैं किया बार उधर कैमरा बार बार लेके नहीं जा रहा हूँ ना, इसलिए बता दे रहा हूँ। बिल्स रिसीवेबल हुआ, परचेस हो गया, रिटर्न हो गया, कैरेज इनवर्ड हुआ, कैरेज आउटवर्ड नहीं हुआ, जो नहीं हुआ वही एंट्री पास करना है, क्यों कैरेज आउटवर्ड कितने रुपये में 4,500। मोटर व्हीकल हो गया, जनरल एक्सपेंस नहीं हुआ, टू जनरल एक्सपेंस कितना 1,800। एडवर्टाइजमेंट नहीं हुआ, बट इसके ऊपर क्या स्टार है देखो, एडवर्टाइजमेंट हुआ नहीं हुआ, लेकिन इसके ऊपर क्या स्टार भी है तो करो, जैसे हिडन एडजस्टमेंट टू एडवर्टाइजमेंट कितना रुपया दिया 4,800। क्या बोला है फॉर थ्री ईयर फ्रॉम, मतलब ये जो 4,800 रुपया है तीन साल का इसका एडवर्टाइजमेंट का पेमेंट है, लेकिन इसने पेमेंट कब किया 1/10/2020, मतलब 1 अक्टूबर को इसने पेमेंट किया, मतलब 6 महीने का पेमेंट इसका, क्योंकि हम लोग का जो अकाउंटिंग ईयर क्या है 1 अप्रैल to 31 मार्च, और ये हम लोग का कौन सा अकाउंटिंग ईयर चालू 31 मार्च 2019 का हम लोग बना रहे हैं, और अगर आप 1 अक्टूबर तो देखो अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, तो 6 महीना हुआ, 6 महीने का निकाला, तो पैसा सबसे पहले आप क्या करोगे 4,800 लिखो, तीन साल का है तो 1/3, ठीक है, उसके बाद 6 महीने का है निकाल रहे तो 6/12, 6 1 जा 6 2 जा 3 2 जा 6, 4,800 वैसे रखो, 3 2 जा 6 अब सॉल्व करो, तो कितना 6 8 जा 48 800 रुपया, मतलब 800 रुपया मेरा क्या है इस साल का है, एक एक ऐसे देखो 4,800 तो इसकी वैल्यू है, और ये तीन साल के लिए लिया तो मैंने किया 1/3 into, और कितने महीने के लिए इस डेट से अगर 31 मार्च जोड़ोगे तो 6 महीना होता है, तो 6/12 6 1 जा 6 6 2 जा 12, फिर देखो 3 2 जा 6 6 को इससे डिवाइड किया तो 800, तो मेरा 800 क्या है इस साल का एक्सपेंस है, तो ये वैल्यू आउटर में जाएगा, बट मेरे लिए 4,000 क्या है, वो तो मेरे लिए प्रीपेड एक्सपेंस है, यहाँ पे करो लेस प्रीपेड हाउ मच रुपीज 4,000। प्रीपेड एक्सपेंस की एंट्री कहाँ जाती है, बैलेंस शीट के असेट साइड पर, यहाँ पे आ जाओ प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट 4,000, ठीक है, दो एंट्री हो गया, मतलब सही हम लोग जा रहे हैं। अब आगे पढ़ते हो,
प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी पर टिक है 1200 रुपया दिया, टिक भी है 1200 रुपये। चलो आ जाओ फटाक से, टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 1200 है। टिक में क्या है, आउटस्टैंडिंग 500, मतलब आउटस्टैंडिंग है तो ऐड करो आउटस्टैंडिंग कितना है 500, 12 5 17 एक एंट्री बैलेंस शीट के लाइबिलिटी में, तो इधर होगा प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी हाउ मच रुपीज 500। यहाँ पे कितना हुआ 4000 का टोटल, ठीक है, इतना आप लोग का समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्या है, लीज होल्ड प्रीमाइसेस असेट्स था बट इसकी 100 डेप्रिसिएशन की एंट्री बाकी थी, तो कहाँ जाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में, टू डेप्रिसिएशन ऑन प्रीमाइसेस लिखता हूँ, आप लोग पूरा लिखना लीज होल्ड प्रीमाइसेस, मेरे पास जगह कम है 10000 रुपये, जगह कम है मेरे पास, जगह है बट लिखने को नहीं जम रहा है। कैश एट बैंक हो गया, फर्नीचर हो गया, बैंक ओवरड्राफ्ट हुआ, बिल्स पेबल हो गया, खरीदी का सेल्स आउटस्टैंडिंग रेंट वेजेस कैपिटल 25000, ट्रायल बैलेंस सब कुछ कंप्लीट हो गया। अब बजट में चेक करो, जो एंट्री हुआ क्लोजिंग स्टॉक एक एंट्री कहाँ पे देखो, एक एंट्री ट्रेडिंग के क्रेडिट में होता है, एक एंट्री बैलेंस शीट के एसेट्स में, बैलेंस शीट में एक क्लोजिंग स्टॉक की कहीं भी एंट्री नहीं है। एक एंट्री पहले मारो इधर, क्लोजिंग स्टॉक 32000 है, इसका मतलब हम लोग का इसका दो एंट्री पास हो गया। फिर क्या बोला, आर डी डी का मैंने आपको स्टार्टिंग में डेट में से किया था लेस, और एक हमारा अभी ये रहा टू न्यू RDD, ठीक है, ये भी एंट्री हो गया। वो डिस्काउंट ऑन डेटर एक एंट्री इधर है ऊपर, उधर में किया था स्टार्टिंग में लेस, लीज होल्ड प्रीमाइसेस वहाँ पे प्रीमाइसेस में किया था लेस, और एक एंट्री इसकी इधर है हो गया। आउटस्टैंडिंग एसेट्स प्रिंटिंग का एड यहाँ पे एक एंट्री है, और एक बैलेंस शीट की लायबिलिटी, मतलब एडजस्टमेंट अपने सारे हो गए, ठीक है। अब निकालना केवल नेट प्रॉफिट और सम करना है टैली, तो नेकी और कुछ चलो निकालते हैं, इतने में निकाल ले, चलो निकाल लेते हैं यहाँ पे, करो टू नेट प्रॉफिट, क्या क्या नाम है उन लोग का भाई, मीरा है माधव, देखो मेरे पास जगह कम है लेकिन यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखना बता रहा हूँ, लिख लो यहाँ पर टू नेट प्रॉफिट, उसके नीचे लिखो ट्रांसफ़र टू कैपिटल अकाउंट इन, मतलब सब एक कॉलम में लिखो ट्रांसफ़र टू इन कैपिटल अकाउंट, लिखना मीरा माधव। अभी ए भी ये दोनों साइड में ज़्यादा पहुँचा है, ये देखो इसके डेबिट में और इसके क्रेडिट में, देखो ये जो टैली हुआ इसके ऊपर का नहीं, उसके नीचे में से कौन ज़्यादा है, ये ज़्यादा है कि ज़्यादा है, अफसोस अफकोर्स क्रेडिट साइड ज़्यादा है, तो दोनों तरफ लिखो 1,20,500 लिखो, 1,20,500 लिखो। अब सब लोग फटाफट लोग खड़े गए, 5 है एक अच्छे से, 5 5 + 5 10 होता है, परफेक्ट 1 कैरी 5 1 6 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
एक तीन एक चार पाँच चार नौ नौ आठ सत्रह सत्रह आठ पच्चीस पच्चीस सात बत्तीस बत्तीस में से क्या क्या जोड़ूँ कि पाँच आ जाए बत्तीस में एक मर रहा हूँ थोड़ा मैं फिर से प्लस कर ले क्या मुझे कुछ डाउट लग रहा है प्लस कर ले चलो कर लेते हैं पाँच सात पाँच और छः 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 दस तीन एक चार पाँच तीन आठ 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 सोलह सोलह आठ चौबीस चौबीस सात इकतीस इकतीस और पाँच इकतीस में ऐसा क्या जोड़ूँ कि पाँच आया तो चार जोड़ो इकतीस और पैंतीस तो पाँच आ गया तीन कह रही देखो तीन दो पाँच पाँच दो सात सात चार ग्यारह ग्यारह बारह बारह एक तेरह तेरह में ऐसा तीन दो पाँच दो सात चार ग्यारह एक बारह बारह एक तेरह 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 में ऐसा क्या जोड़ूँ कि ज़ीरो आ जाए ऐसा क्या जोड़ेगा सात मेन देखो इधर पैंतीस था तीन दो पाँच दो सात चार ग्यारह एक बारह बारह एक तेरह एक एक दो चार दो छः छः दो आठ दो दस दस तीन तेरह दोस्तों हम लोग एक एंट्री मिस कर दिए मालूम है कौन सी एक्सपोर्ट ड्यूटी 900 रुपया
मिस किए, खुद एंट्री कहीं है क्या, है कहीं नहीं है, चलो उसको पास करो, कहाँ पास कर, अरे ये जगह तो नहीं है, काम करो मैं इधर साइड में लिख देता हूँ 900 रुपया, लेकिन एक चीज का एक्सपोर्ट ड्यूटी मैं इधर जल्दी जल्दी में लिखना भूल गया, इधर 900 रुपया, ठीक है, क्या है एक्सपोर्ट ड्यूटी का, प्लस करते हैं 5 5 10 1 11 5 1 6 6 4 10 1 3 1 4 4 5 9 9 18 18 26 26 34 34 5 9 9 18 18 26 7 34 5 9 9 18 18 26 7 34 5 9 18 18 26 7 34 5 9 18 18 26 7 34 5 9 18 26 7 34 5 9 18 18 26 7 34 5 9 18 18 26 7 34 5 9 18 18 26 7 34 5 9 18 18 26 7 34 5 9 18 18 26 7 34 5 9 18 18 26 7 34 5 9 18 18 26 7 34 5 9 18 18 26 7 34 5 9 18 18 26 7 34 5 9 18 18 26 7 34 5 9 18 18 26 7 34 5 9 18 18 26 7 34 5 9 18 18 26 7 34 5 9 18 18 26 7 34 5 9 18 18 26 7 34 5 9 18 18 26 7 34 5 9 18 18 26 7 34 5 9 18 18 26 7 34 5 9 18 18 26
अच्छा 14 में ऐसा क्या क्या जोड़ू कि 0 आ जाए, तो 6 14 6 20, 2 चला गया ऊपर, 2 1 3, 3 में ऐसा क्या जोड़ू कि 2 2 आ जाए, तो 9 9 3 12 आ गया, 96,445। ये देखो हम का ये है नेट प्रॉफिट, मतलब एग्जैक्ट एक्यूरेट सेम आया है। यहाँ पे 900 की मैं एंट्री भूल गया था, देखो मैं इसको ऐसा कॉलम करता हूँ, एंट्री भूल गया था, यहाँ पे लिखना एक्सपोर्ट ड्यूटी, आप डाल के अपने फेयर बुक में लिखना है। अब इसको बांटना है 96,445 को, क्या करना है बांटना है, किस में बांटना है, इक्वल में बांटना है। इक्वल में क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करो, 2 2 4 जा 8 बचा 1, 2 8 जा 2 2 जा 2 2 जा और 1 को 3 दे दो और 1 को 2 दे दो, 4 2 देखो प्लस करते 3 2 5 2 2 4 2 2 4 8 8 16 6 4 9 96,445, मतलब मैं जो बोला सही है, 4 8 2 2 3 4 8 2 2, तो दोनों का इतना नेट प्रॉफिट है क्या, एक का 4 8 2 2 3 मतलब 48,223, एक का 48,222। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा इतने पे। अब नेट प्रॉफिट किधर जाता है, कैपिटल में ऐड होता है। चलो आ जाओ बैलेंस शीट पे, बैलेंस शीट पे आ जाओ, ऐड नेट प्रॉफिट। ओके, मीरा का नेट प्रॉफिट था 48,223। अब वैल्यू क्या करो, आउटर में ले लेंगे ना, 2 और 3 3 ले लो, 2 3 5 2 7 8 2 10 11 12, 1,20,723, परफेक्ट, 1,20,723। देखो 75 में 3 7, देखो 4 में 3 जाएगा 1, यहाँ पे 1 आएगा, देखो 9 एक तो यहाँ पे 9 रहेगा, यहाँ पे 1 यहाँ 9, यहाँ पे 70 में देखो 4 में से 3 जाएगा तो अच्छा हुआ, तो यहाँ पे कितना 1,90,723 रुपीस। यहाँ पे ऐड होगा क्या होगा, नेट प्रॉफिट इसका कितना था, 48,223, 5 में 2 को 2 गया 3, मतलब इसका सही है। ऐड करना तो ऐड करो, 2 2 3 8 3 11 17 11 12, 1,21,223 है, परफेक्ट। 22 करो भाई, 22 करो, क्योंकि उसका 3 था तो उसका 2 रहेगा, तभी 3 से 5 हो रहा है। अब सम करना है टैली, पहले एसेट्स ऐड कर लिया जाए, एसेट्स 5 5 5 5 5 5 5, 4 4 4 4 4 4 4, 3 1 4, 6 5 11 5 16 5 28 28 4 8 32 34 32 34 हो रहा है, फिर प्लस करूँ गया पर 6 6 5 11 11 5 16 16 8 24 24 28 2 30, 3 7 3 10 11 11 5 16 16 5 16 4 20 20 3 23, 3 2 2 1 3, 3,30,445 रुपये। अगर लाइबिलिटी प्लस कर रहा हूँ, अगर इतना आ गया तो मतलब हम लोग का बैलेंस शीट टैली हो गया, ठीक है। 3 2 5, एक नंबर तो सेम से सेम आ गया, 2 2 4, 7 2 9 9 5 14, वाह क्या बात है, सेम टू सेम आ रहा है, 1 9 1 10 11 11 5 16 16 2 18 18 18 26 30, वाह 3 3 3 1 4 4 2 6 6 1 7 6 1 7 7 6 13, 3 1 1 2 2 3, 3,30,445, 3,30,445, और ये हम लोग का टेक्स्ट बुक का भी आंसर है।
दैट इज माई राइट आंसर। ओके, यहाँ पे हम लोग का समय होता है मीरा माधव का सॉल्व। अगर चाहिए स्क्रीनशॉट चाहिए तो ले लो, ये इतना ट्रेडिंग अकाउंट का है ले लिए, इतना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, ये एक्सपोर्ट ड्यूटी से लिखना भूलना मत, इतना ले लो, ले लिए ना। बैलेंस शीट इधर है, बैलेंस शीट इधर अकेला है, इतने में पूरा बैलेंस शीट है। ओके फ्रेंड्स, कुछ डाउट होगा कमेंट बॉक्स में पूछना, एंट्री नहीं नहीं समझ आई हो तो यहाँ पर हम लोग का फोर्थ सम्स भी होता है ओवर। अब सम नंबर फिफ्थ क्या है, सुचिता एंड गायत्री का, ये हम लोग कल सॉल्व करेंगे। ओके, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।